फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। अब जितनी भी टाइप की स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होती है, इनका बेसिक कंसेप्ट हम पहले समझ लेंगे। सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, अंतर सिर्फ ऊपर ही ऊपर वाली लेयर ऑफ सेल्स में होता है। सबसे ऊपर की लेयर में यदि फ्लैट सेल्स है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाएगी, सबसे ऊपर वाली क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल, और सबसे ऊपर वाली कॉलमनर है तो कॉलमनर। नीचे की लेयर्स तीनों में सेम होती है। तो हम एक का ही पूरा डायग्राम बनाएंगे, बाकी फिर अंडरस्टूड है, सिर्फ ऊपर की लेयर का शेप चेंज हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, देखो सबसे नीचे की जो सेल्स की लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम में, वो या तो क्यूबॉइडल होती है या कॉलमनर होती है, और उनकी एक सिंगल लेयर होती है सबसे नीचे। तो जैसे हमने क्यूबॉइडल बना ली, ठीक है, इसके ऊपर फिर तीन से चार लेयर्स होती है पॉलीगोनल सेल्स की। पॉलीगोन क्या होता है, मल्टीपल साइड्स वाला। यूजुअली जब हम बोलते हैं कि भाई तीन से ज़्यादा साइड्स की जितने भी आप बनाते हो स्ट्रक्चर्स, वो सब किस में आते हैं, पॉलीगोन में आते हैं, ठीक है। जो फाइव साइड्स है वो पेंटागन है ना। पॉली मीन्स बहुत सारी साइड्स। तो अलग अलग शेप हो सकते हैं, यूजुअली इस तरह का शेप होता है हेक्सागन या पेंटागन। तीन से चार लेयर्स, पांच लेयर्स तक भी हो सकती है। ठीक है, और सबसे ऊपर फिर कौन सी लेयर है उससे डिसाइड होगा कि भाई इसको हम स्क्वेमस बोलेंगे, क्यूबॉइडल बोलेंगे या कॉलमनर बोलेंगे। तो अभी हम स्क्वेमस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सी लेयर होगी, तो ऊपर ही ऊपर तो फ्लैट सेल्स और स्क्वेमस सेल्स, थ्री टू फोर लेयर्स ऑफ पॉलीगोनल सेल्स, और सबसे नीचे, सबसे नीचे जो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स होती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, मान लो ऊपर की लेयर्स में कोई भी सेल डैमेज हो जाती है या डेड हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने का काम कौन सी लेयर करेगी, ये सिंगल लेयर, ये डिवाइड होकर रैपिडली ऊपर की सेल्स को रिप्लेस कर देगी। क्योंकि ये ऊपर की सेल्स को रिप्लेस करने का काम करती है, तो इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम मीन्स लेयर, जर्मिनेट करना, एक नई लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, जैसे अपन प्लांट जर्मिनेशन बोलते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ पर एक तरह से सेल जर्मिनेशन का काम कर रही है, नई सेल्स को बनाने का काम कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, है ना।
और एक साइंटिस्ट के पीछे भी इसका नाम दिया जाता है, दैट इज माल्फीगियन लेयर। माल्फीगियन लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? यहां पर होगी। तो फिर इन सब लेयर्स के नीचे, पूरी की पूरी तो एपिथीलियम है ऊपर, फिर अब इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। बाकी अब सबका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो गया, वापस से नहीं बनाएंगे। इसमें फ्लैट सेल्स की जगह क्यूबॉइडल आ जाएगी और इसमें कॉलमनर सेल्स आ रही। बाकी पॉलीगोनल सेल्स की लेयर एज इट इज, स्टेटम जर्मिनेटिवम एज इट इज, बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू एज इट इज। एग्जांपल्स के पहले अपन लिख लेते हैं, थ्योरी में भी ठीक रहेगा। तो कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लोअर मोस्ट लेयर ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स कॉल्ड एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और माल्पीगियन लेयर दिस लेयर rapidly divides to replace the dead and damaged cells of upper layers. Second, 3 to 4 layers of polygonal cells in the middle part third superficial means sabse upar topmost layer superficial layer of flat cells or squamous cells